ठीक है फिर अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसी में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया नंबर संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो उसी में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, हमने सीखा था भिन्नों को जोड़ना, है ना, भिन्नों को जोड़ना हमने सीखा था, भिन्नों को जोड़ना। तो उसका जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उसको कि हमने कैसे कैसे भिन्नों को जोड़ा था और उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमारे पास दो भिन्न दिए गए हैं 3/5 और +1/7, तो कैसे हम इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे और वो कैसा आएगा, एलसीएम दोनों की गुणा कर 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 यहाँ पर आ गया। ठीक है, गुणा करने के बाद ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की क्या करा है, हमने गुणा करा है। गुणा करने के बाद मेरे पास 35 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 की गुणा करना है 3, 7 की गुणा करेंगे 3, प्लस प्लस है तो प्लस, 5 की गुणा करेंगे 1 में, 5 की गुणा किया 1 में, ये मेरे पास आ गया 27 + 5/35। ठीक है, तो अभी क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है 26/35, 26/35, ये आपका आंसर है। क्या ये चीज समझ में आई सबको, क्या यहाँ तक समझ में आया है? चलिए, अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टच करेंगे। सभी बच्चों को यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टच करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरे पास इस तरीके का भिन्न आ जाए कि 4/3/2 और फिर आ जाए मेरे पास +1/2, इनको भी हमने सीखा है कि कैसे हम जोड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाला जो दिया हुआ है मिश्र भिन्न, इसको आपको चेंज करना है अनुचित भिन्न। बेटा किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे, चलिए समझेंगे। यहाँ पर अनुचित भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 की गुणा करना पड़ेगा, 4 और 2 की करेंगे गुणा। तो 4 और 2 की गुणा किया, 4 × 2 = 8 और 3 को उसमें जोड़ना है, 8 × 3 = 11, 11/2 +1/2। अभी इसका लेंगे एलसीएम और एलसीएम मैंने बोला था आपको कि अगर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी संख्या होती है तो वो ही संख्या आ जाती है और ऊपर वाली संख्या को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं विद साइन। तो ये आ गया बेटा 12/2, 12/2 मतलब 2 × 12, 6 आपका आंसर आया। ठीक है, कितना आंसर आ गया बेटा, 6 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ना है भिन्नों। क्या ये चीजें समझ में आई आपको, अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टच करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टच करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया। बिल्कुल बेटा, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो भी मैंने आपको कराया था उसका मैं रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा हूँ। ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाए, इस तरीके का नंबर आ जाए, ठीक है, और इसको आपको जोड़ना है तो कैसे आप जोड़ेंगे कि 4/3 को आपको ऐसे ही रखना है, लेकिन इसको आप चेंज करेंगे अनुचित भिन्न में। और अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए मैंने बोला है 4 और 3 की गुणा करेंगे और 5 को जोड़ देंगे, 4 × 12, 12 और 5 होता है 17, तो 17/3। ठीक है, अभी एक जैसा नंबर दिया हुआ है, एक जैसी संख्या दी हुई है तो वही संख्या आ जाती है एलसीएम और इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ देते हैं। 17 और 4 = 21। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है बाकी बच्चों को?
ये दोनों बच्चे काम करेंगे, रीजॉइन करेंगे क्लास को, रीजॉइन करेंगे, यस क्लास को रीजॉइन करेंगे बेटा। ये हमारा आंसर आएगा कितना, 21/3, 21/3 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चे बेटा ध्यान देंगे, जो भी बच्चे लेट जॉइन हो रहे हैं ना क्लास में, बेटा आपकी क्लास का टाइम 8:30 है, 8:30 का क्लास का टाइम होता है आपका, और अभी आप क्लास को ज्वाइन करें, और फिर आप बोलते हैं कि सर रिपीट कर दीजिए दोबारा वाली क्लास में। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चे एक तो टाइम से क्लास को अटेंड करेंगे, या तो 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि, या आप 10 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते, ताकि हमें आपका होमवर्क भी चेक कर सको। तो ध्यान रखेंगे बेटा आगे, सारे बच्चे एक तो टाइम से क्लास को अटेंड करेंगे, टाइम से क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, जोड़ना। मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उस एग्जांपल में जो सर आपकी आवाज, बेटा जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, मैंने बोला है रीजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं इस एग्जांपल में वो सारा रिवाइज करा दूंगा जो अभी तक हमने किया है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस एग्जाम्पल को। 3 1/2 लिखा हुआ है, प्लस प्लस 4 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, इसको आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जो आपको क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं आपको मिश्र भिन्न, इन सभी को क्या करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए 3 की गुणा करा 2 में, तो 3 2 6 और 1 7 7/2, ठीक है, 4 12 12 और 1 13 13/3, तो ये आ गया बेटा अनुचित भिन्न। यहाँ तक आया मेरे पास अनुचित भिन्न, ठीक है। अभी इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए मैंने बोला था दोनों की गुणा कर दीजिए, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तुम्हें, तो 2 3 6, ठीक है। अभी उसके बाद करना है 3 की गुणा करना है 7 में, 3 की गुणा करेंगे 7 में, ठीक है, 2 की गुणा करेंगे 13 में, 2 की गुणा करेंगे 13 में, तो यहाँ पर कितना आएगा, 21/26/6, तो यह आ गया 47/6, 47/6, ठीक है, 47/6 आपका आंसर है। तो इस तरीके से बेटा कोई भी अगर भिन्न आपको दिया हुआ है, ऐसे आपको जोड़ना है। क्या यहाँ तक समझ में आया है, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। वेरी गुड, जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर जिनको समझ में नहीं आया है तो नो टाइप करें। वेरी गुड, और वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी, बेटा क्लास में टाइम से ज्वाइन होना है आपको, टाइम से क्लास को ज्वाइन करना है, 8:30 का आपका टाइम है, तो आपको 8:30 से पहले क्लास को ज्वाइन कर लेना है, ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में आप। चलिए, तो अभी रिकॉल टेस्ट होगा, ये बेटा आपका रिकॉल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, 9/14 + 5/21, 5/21, तो इन दोनों को आपको जोड़ना है। चलिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, है ना, पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आएगा तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो पहले आप नोटबुक में अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन। मैंने बोला है आपको कि अगर हर अलग अलग आता है तब आपको दोनों की गुणा करके उसका एलसीएम लेना है।
चलिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना कॉल सेक्शन में, बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एलसीएम ले सकते हैं दोनों का, 14 और 21 का, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेना बताया ना मैंने आपको कि कैसे करते हैं एलसीएम। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा अभी सिर्फ 2-3 बच्चों के ही उत्तर आए हैं, तो जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किए हैं वो उत्तर कर दें। 1, 2, 3, 4, 5। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। तो यहाँ इसका आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, तो ठीक है, सबसे छोटा नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 से कर सकते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 21। फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, ये 3 आया बेटा, 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम जो आया है वो एलसीएम आया है 7 × 2 × 3, तो यहाँ पर गुणा कर लिए, 7 × 2 = 14, 14 = 42, तो 42 तो एलसीएम आ गया, ठीक है, 42 आया एलसीएम। और 14 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, और 3 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 27 प्लस 21 से डिवाइड करेंगे, 21 × 42 और 2 आया, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 37/42, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही आ रहा, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, काफी बच्चों ने उत्तर नहीं कर रहा है, मैं इस चीज को फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्या आपको करना है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/6 + 3/8, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 6 = 2 × 8, फिर से 2 से करेंगे तो ये तो नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे हम, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से करा, ये नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड, ऐसे ही उतार लिया, 2 × 1 = 2, ये तब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाता है। अभी 3 से कर देंगे तो 3 × 1 = 3, तो देखते हैं इसका एलसीएम कितना है। एलसीएम देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3, तो इसका एलसीएम आया 2 × 4 × 8 = 24, 24 इसका एलसीएम आया, 24 इसका एलसीएम आया। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या यहाँ तक समझ में आया है सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चों आई टाइप करें, ठीक है, तो 24 एलसीएम आ गया। अब देखो बेटा, क्या समझ में नहीं आया, आपको बताएंगे, बताइए सर। आप जो पहले वाला बताया था ना, तो कल मैं क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाई थी इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण, तो मुझे ना आपने जो उत्तर समझाया समझ में नहीं आया। बताया है क्या एलसीएम लेना आता है आपको? ये मैंने सिर्फ अभी तक एलसीएम ही लेना बताया है, और कुछ नहीं बताया। तो 6 और 8 का अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो हम ऐसे एलसीएम लेते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 × 6 ये डिवाइड हो रहा है, 2 × 8, फिर से 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 से ये होगा, 2 × 2 = 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 1 = 2, अब 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 × 1 = 3, ये तब तक करना है तब तक आपके पास नीचे 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया है वो एलसीएम आया बेटा 24 एलसीएम आ गया।
अभी समझ में आ गया सबको कि ऐसे हम कैसे रहते हैं? यस सर तो यहाँ आया बेटा कैल्शियम 24। बेटा किसी को अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए तो 24 कैल्शियम आया है। अब ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास पहला भिन्न दिया हुआ है, ये पहला भिन्न दिया हुआ है और ये दूसरा भिन्न दिया हुआ है, तो पहले भिन्न के हर से हर कितना एच है, इससे 24 को डिवाइड करेंगे। कितना आया? 6 चौक 24, 4 आया। इस 4 की गुणा करेंगे आप 1 में, 4 की गुणा करेंगे 1 में प्लस, ठीक है? तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद जो दूसरा भिन्न है, ठीक है, दूसरा भिन्न कौन सा है आपके पास? दूसरा भिन्न है ये, इसके हर से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 किया 24, 3 आया, और 3 की गुणा करेंगे 3 में, 3 की गुणा करेंगे 3 में, ठीक है, 3 की गुणा करी आपने 3 में, तो ये 4 एकम 4 और 3 9/24, तो आंसर आ गया आपका 13/24। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। यस सर, समझ में आ गया। सर समझ नहीं आया मुझे, आपने जो 4.1 वाला समझाया वो समझ में आया, लेकिन 3 वाला समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बेटा, सेम जैसे 4 वाला किया वैसे ही आपको करना है, वैसे ही आपने जैसे 24/6 को काटा था, तो बेटा वो मेरे को समझ में आया। इसमें हमने अलग थोड़ी ना किया कि 24 को आपको भाग करना है 8 से, दूसरे वाला जो भिन्न है उसके हर से भाग करना है, तो 8 या 24 ही तो आएगा, 8 या 24 आएगा, और उस 3 की आप गुणा करेंगे 3 में, उस 3 की आप गुणा करेंगे जो 3 आया है 3 में करेंगे, तो 3 3 9, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखा है क्या हुआ बेटा? सर मुझे भी समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, अभी माइक बंद करेंगे और ध्यान से समझेंगे, फिर से समझेंगे। माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक कौन है? माइक बंद बेटा, माइक बंद रखेंगे किसी बच्चे का माइक कौन? चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा है ये वाला एग्जांपल कि 4/9 प्लस 1/6, ठीक है, तो 9 और 6 का पहला लेना है आपको एलसीएम, ठीक है, दोनों का एक साथ ले लिया मैंने, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 9 तो नहीं हो रहा लेकिन 6 हो रहा है, 2 किया 6, ठीक है। अभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो 3 किया 9 और 3 एकम 3, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 एकम 3, ये तब तक आपको करना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है, जब तक 1 1 नहीं आ जाता है। अभी एलसीएम लिया था तो एलसीएम कितना आया? 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, तो 2 3 6 6 18 18 एलसीएम आ गया बेटा आपका। 18 कितना आया एलसीएम? 18 एलसीएम आया, तो 18 तो यहाँ पर आ गया एलसीएम, ठीक है। अभी उसके बाद आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बोला है जो पहला भिन्न दिया हुआ है उसके हर से, हर बताना आपको ये वाला हर 9, उसके हर से 18 को भाग करना है, भाग करना आपने, तो 9 दुनी 18 2 आया, इस 2 की गुणा करेंगे 4 में, इस 2 की गुणा कर दिया हमने 4 में प्लस। अब दूसरा जो भिन्न है, दूसरा भिन्न है उसके हर से 18 को भाग करेंगे, 18 को भाग करेंगे मतलब जो एलसीएम आता है उसको पहले हम पहले वाले हर से भाग करेंगे फिर दूसरे वाले हर से भाग करेंगे, तो 6 18 3 आया, और 3 की गुणा करेंगे 1 में, 3 की गुणा करा 1 में, तो ये आया 4 दुनी 8 और 3 एकम 3, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 11/18, 11/18 आपका आंसर था। क्या हुआ सर? मेरा ठीक है।
सर मेरा आंसर ठीक है, 11/18 मैंने भेज दिया था इस आपके बोलने तरीके से से उस पहले। क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाए। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं, अभी हम सर आ आ जाते हैं गया। आगे। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा घटाओ, अभी हम घटाओ की बात करते हैं। जिस तरीके से हमने जोड़ा था वैसे ही आपको घटाना है ना, वैसे ही घटाना है। एलसीएम लेके, एलसीएम लेकर ही आपको घटाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, घटाना है 2/3, 2/3। तो 4 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो देखो कितना आता है, 2 दूनी 4। यस, गुड इवनिंग। गुड ये इवनिंग सर। 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, और ये 3 ऐसे ही आएगा, और ये आ गया 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। तो 2 दूनी 4 किया 12, 12 एलसीएम आया है, 12 आया है एलसीएम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, 4 से भाग करना है, 12 को 4 से भाग करना है, तो 3 आएगा, और 3 की गुणा करेंगे 3 में, तो 3 किया 9। अब 12 को भाग करना है 3 से, दूसरे वाले हर से, तो 4 आएगा, और 4 की गुणा करेंगे 2 में, तो 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, तो ये आ जाएगा बेटा 1/12। तो आपका आंसर आ गया 1/12। तो काफी बच्चों का उत्तर सही आया था, पहले ही उन्होंने उत्तर कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपको आने वाले क्वेश्चन करने। सर समझ में चलिए तो अभी आ जाते हैं आगे। तो ये देखो बेटा, इसी तरीके से हमने रहा हुआ है, 4 और 3 12 आया था इसका एलसीएम। ठीक है, 3 की गुणा 3 में करा तो 9, 4 की गुणा 2 में करा तो 8, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1/12। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, तो यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल को करना है, 4 1/5, 4 1/5। गया। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3 1/5, बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर बताएंगे। चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए चेक करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पहले, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे। तो पहले तो आपको मित्र, ये तो मिश्र दिया हुआ है, मिश्र भिन्न, उसको आपको चेंज, वेरी गुड, मिश्र भिन्न को सर आपको पांच चेंज बटे करना है। पांच चलिए चेक करेंगे बाकी बच्चे अपना आंसर, मिश्र भिन्न को आपको चेंज करना है अनुच्छेद भिन्न में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 5 20 और 1 21, तो 21/5। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 5 या 15 और 1 16, 16/5। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने 5, और क्योंकि तो यहाँ पर एक जैसा संख्या दिया हुआ है, एक जैसी संख्या दी हुई है तो 5 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही उतार देंगे, तो ये आ जाएगा 5/5। या फिर सर 5/5 को पांच काटेंगे बटे तो पांच एक काट आंसर देंगे तो आएगा। एक आंसर आएगा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बाकी सभी बच्चों के भी आंसर सही। चलिए, ये चीजें अगर सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे वाइट है। यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया है सर ये वाला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। बेटा, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया आपको उसमें, एक आंसर एक कैसे आया मेरे कैसे समझ आया, में नहीं आ रहा। मैंने लिखा है कि अगर एक जैसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा एक आंसर आता है, कुछ नहीं है। अगर एक जैसी संख्या से भाग करते हैं तो हम ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या है तो सर मुझे हमेशा भी एक चीज आपका जो समझ में आंसर नहीं आया। आता है वो एक आता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको, मतलब आप अगर पांच से पांच पांच को भाग काटेगा करेंगे तो एक आएगा, सर, पांच पांच से पांच को भाग करेंगे तो अगर 5 को 3 से तब भाग अलग करेंगे सर तब आएगा भी एक बेटा। ही आएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जैसी संख्या से अगर भाग करेंगे तो हमेशा एक ही उत्तर आएगा,
लेकिन अगर अलग अलग है तो उसका अलग उत्तर आएगा। बस अभी आपको बेटा माइक बंद रखेंगे, एक मिनट माइक बंद रखेंगे किसी बच्चे का माइक। तो मैंने कहा एक जैसी संख्या अगर होती है तो आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक आंसर लिखना है बस। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या समझ में नहीं आया? मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने जो भिन्न को वो सॉल्व किया ना, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। आपने भिन्न को 21/5 लिखा और दूसरे वाले को 16/5, मुझे वो समझ में नहीं आया कैसे आपने वो करा। एक मिनट बेटा, बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी। ये वाले क्वेश्चंस तो हमने क्लासेस में किए बहुत सारे, हॉल में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे कराए। सर मैं तो कर नहीं पाई थी सर, कल मैं क्लास कर नहीं पाई थी इसी वजह से। उससे पहले की क्लास का है, कुछ लोग ध्यान दीजिए कि कैसे करना है। आप सर उसकी समझेंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या करना है आपको कि आपको जो ये वाला नंबर दिया हुआ है इसको और इसको गुणा करना है। कर दीजिए गुणा, कितना आया? 2 × 2 आया ना, 2 × 2 आया, और उसमें एक को जोड़ देंगे, एक को जोड़ दीजिए, और डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 ही आएगा। तो अभी आंसर कितना आया? 3/2। तो यहाँ पर भी देखो 4 और 5 की गुणा करी तो 20 आया ना, और उसमें आपको एक को जोड़ना है, और डिवाइड में 5 है तो डिवाइड में 5 ही रहेगा। आगे 21/5, उसी तरीके से 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और 1 को जोड़ देंगे डिवाइड में 5 है तो 5 आ जाएगा, तो 16/5। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा? बेटा बाकी किसी बच्चे का डाउट नहीं है कुछ? आगे चलें। यस सर। अभी आगे जा रहे हैं बेटा। तो ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4/5 में से आपको घटाना है 1/3 को, 1/3 को आपको घटाना है। तो जितने बच्चे ज्वाइन क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में, और सभी बच्चे अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है कि जल्दीबाजी में आप आंसर कर दें। सभी बच्चे सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी के आंसर आने चाहिए। क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वेरी गुड सर, मैंने कर दिया, उसको बोलना नहीं है कुछ भी सर, मैंने कर दिया। लेकिन जिन दो बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं करा है। मैंने बोला है आपको कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, तो उतना ही आसान आपको लगने लगता है, और आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही आंसर बता देंगे। लेकिन पहले आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, वेट करेंगे अभी पोल सेक्शन, मुझे नहीं आ रहा क्वेश्चंस को करना, आप वहां समझेंगे। मैं 5 सेकंड के बाद आपको बंद कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास, जिसको आवाज नहीं आ रही है। 1 2
3, 4, 5 ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ सिंपल बेटा आपको क्या करना है, घटाना है, घटाने के लिए मैंने बोला है आपको एलसीएम लेना है 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम अगर लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, 15 एलसीएम आ रहा है, कितना एलसीएम आ रहा है, 15 आ रहा है एलसीएम, एलसीएम तो लेना आता है ना आपको सबको, कितना आ रहा है, 15 एलसीएम आ रहा है। अभी 5 से इसको भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 के गुणा करना है 4 में, तो 4 किया 12 माइनस, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि दोनों हाथ से करना है ना डिवाइड आपको, 15 को आप भाग करेंगे 3 से तो 5 आया और 5 की गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5, ये आंसर आ गया बेटा आपका 7/15, 7/15 आपका आंसर आया। चलिए अभी समझ में आया सबको, इसका क्या ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। जिस बच्चे को सर ठीक से समझ में तो आ गया, लेकिन सर एक डाउट रह गया, सर आपने जो अभी वो वाला बताया ना 15/5 वाला, वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया ना, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन कराने के बाद कि यहीं पर आपने डाउट क्लियर कर लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास इसके अलावा, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही रहते हैं, एक ही मेथड आपको फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 15, 5 और 3 का लेना है आपको, ठीक है, 5 और 3 का अगर आपने एलसीएम लिया है तो आपका जो एलसीएम आया है वो 15 आया है, एलसीएम आया है 15, ठीक है, तो 15 एलसीएम आ गया। उसके बाद आपको समझना है बेटा इन दोनों से आपको भाग करना है, किसको भाग करना है, एलसीएम को भाग करना है, पहले आप 15 से 15 को भाग करेंगे, यही तो एलसीएम है, पहले 5 से भाग करेंगे और उसके बाद आप 3 से भाग करेंगे, दोनों से भाग करना है, पहले 5 से करना है उसके बाद 3 से करना है, 15 से 5 से भाग करा तो 5 15 3 आया, 3 की गुणा करा हमने किसमें, 7 में, तो 3 7 21 माइनस, अभी 3 से इसको भाग करा तो 3 5 15, 5 की गुणा करेंगे 11 में, तो 11 5 55, अभी दोनों को घटा देंगे, घटाया तो आपके पास आंसर आ गया 34 34/15 माइनस, अभी समझ में आया आपको, सभी बच्चों को समझ में आया सर, आ गया बेटा, अगर किसी भी बच्चे का डाउट सर, है सर आ गया, यस सर, तो बेटा अभी पूछेंगे अगर डाउट है तो किसी भी बच्चे का, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है, मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, 1/6 और 1/8, 1/6 और 1/8, ठीक है, या 7/8 यहाँ पर कर लीजिए, तो यहाँ 6 और 8 का आपका एलसीएम लेना है, पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो 2 से करा मैंने, 2 3 6 2 6 8, 2 से फिर करा 2 3 4, 2 से फिर भाग करा 2 1 2, ठीक है, ये 3 है बेटा, अब 3 से करेंगे तो 1 1 आ गया, तो एलसीएम कितना आया, तो यहाँ देखेंगे जो एलसीएम है, जो एलसीएम आया है वो आया है बेटा 2 2 4 2 8 या 24, 24 एलसीएम आया है। अभी यहाँ पर ध्यान रखना है, इस 24 को आपको भाग भी करना है, दोनों से भाग करना है, 6 से भी भाग करना है और 8 से भी भाग करना है, तो मैंने दोनों जगह ले लिया, ठीक है, एलसीएम आ रहा है मेरे पास 24, अब 6 से अगर भाग कर रहा तो 6 24 4 आया और 4 की गुणा करेंगे 1 में, तो 4 1 4, ठीक है, 8 से इसको भाग कर रहा तो 3 आएगा, 8 से अगर भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 की गुणा करेंगे 7 में, तो 7 21, ठीक है, अभी इसको अगर हम घटा देंगे तो माइनस के 17/24 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, क्या समझ में आया है सभी को, यस सर, अभी भी अगर yes, किसी का भी डाउट है बेटा, yes, sir. तो अगर छोटा सा भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है, अगर डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे, ठीक
क्लियर है चीजें सभी को? तो इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड से पूछा जाएगा और सभी को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? इसका आंसर आपको कहां पर करना है? पोल सेशन में करना है। क्वेश्चन देख लीजिए, 7 1/2 -3 3/4, ठीक है? तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से बेटा पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे पहले, ठीक है? और इसको भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको घटाना है एलसीएम लेके, इसको भी आप अनुचित भिन्न में बदलेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेशन। सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से बेटा आंसर करना है, ध्यान से। सर स्कोर बोर्ड, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन में उसको उत्तर कीजिए पहले। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा अपना। इन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं और बेटा क्लास बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी आगे जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, मतलब आपका ही रिस्पॉन्स सबसे कम रहता है इस वाले बैच का। तो सभी रिस्पॉन्स कीजिए, सभी अपना आंसर कीजिए फुल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अगर आप आंसर्स करते हैं तभी आपको पता चलता है कि हमें कुछ आया है, हमें कुछ सीखा है या नहीं। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं जो नहीं कर रहे हैं बेटा। कुछ फायदा नहीं होने वाला कि आप एक घंटे की क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं और कुछ सीख भी नहीं रहे। सर सीएम फॉर है, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे, जो क्लास को अटेंड तो कर रहे हैं लेकिन कुछ एक्टिव नहीं है। आप आंसर कर रहे हैं पोल सेक्शन में, जो पूछा जा रहा है ना वो बता रहे हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4। हाँ कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए आंसर। फाइव, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो भी चैट सेक्शन आंसर कर सकते। बेटा मैं तभी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डाउट आपका रह रहा है, तो वो डाउट आप पूछ लीजिए, डाउट पूछ लीजिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भिन्न में बदलना, यही चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब फिर से समझ आ दीजिए। चलिए ध्यान देंगे अभी आगे। पहले आपने मिश्र भिन्न समझाया वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने अनुचित भिन्न दिया मुझे समझ में नहीं आया। और ये सबके लिए काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर है ना गलत किए हैं, उत्तर गलत आए काफी ज्यादा बच्चों। तो या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ ली, अगर डाउट है थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछ ली, तब आप बोलते हैं कि सर हाँ मैं तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, तब तो आप बोलते हैं कि समझ में आ गया। लेकिन जब पोल में आंसर करने की बारी आती है तो उत्तर आपकी गलत आती है।
ऐसा क्या समझ में आया आपको कि आपको उत्तर सही नहीं आ रहे? हाँ चलिए ध्यान देंगे आप। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला कि ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है, मिश्र भिन्न दिया हुआ है, और ये चीजें मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मिश्र भिन्न को, मिश्रित भिन्न को अगर आपको चेंज करना है किसमें, अनुचित भिन्न में चेंज करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। अनुचित भिन्न में चेंज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको कि दो नंबर की यहाँ पर गुणा करनी है, इन दोनों को तीन गुणा तीन करना है और चार को जोड़ना है, बटे तीन, बटे में दो नंबर होता है वही नंबर आ रहा है, तो तीन तीन नौ प्लस चार बटे तीन तो तेरह बटे तीन आ गया। इसमें क्या दिक्कत है आपको? मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न बदलने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या समझ में आया है? ये बच्चा जिस बच्चे का डाउट था वो बोलेंगे। यस सर। बेटा अभी मैंने समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया, सबने बोल दिया हमको समझ में आ गया, और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे तब आप बोलते हैं थोड़ी देर के बाद कि मेरे को वो चीज समझ में आएगी, तो यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए। अगर यहीं पर कुछ डाउट है तो यहीं पर बता दीजिए कि सर ये डाउट है, अगर यहाँ पर ऐसा होता तो हम कैसे करते? आप दूसरी भिन्नों में भी सर, आप दूसरी भिन्नों में भी एक बार समझा दो कि कैसे उनको बदलना है। नंबर ही तो चेंज होंगे, यहाँ पर नंबर ही तो चेंज होंगे आपके, करना तो आपको सेम ही है ना कि दो की गुणा करना है इसमें, दो एकम दो, दो की गुणा करना है एक में, बस आपको जोड़ना है, वो तो सबके लिए अलग अलग होगा, नंबर ही तो चेंज होंगे। सब में सर, सब में गुणा और प्लस का ही वो होगा, यही चीज बोल रहा हूँ, यही एक ही नियम मैंने बोला है, मैंने कुछ अलग नहीं बोला है। हर बारी आपको इन दोनों की गुणा करना है और ऊपर वाले को जोड़ना है, हर बारी इन दोनों की गुणा करना है और ऊपर वाले को जोड़ना है, और जो डिवाइड में है वो डिवाइड में आएगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर नंबर चेंज हो गए तो ये नियम चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा नियम। तो दो एकम दो और सात प्लस बटे दो, तो यह आया नौ बटे दो, नौ बटे दो आया। चलिए अभी बताएंगे, अभी तो किसी बच्चे का डाउट नहीं है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख भी दिया है, मैंने इसको पहले अनुचित भिन्न में चेंज कर दीजिए। अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा करते हैं, सात दुनी चौदह गुणा कर दिया, सात दुनी चौदह और इसको जोड़ते हैं ऊपर वाले को, तो सात दुनी चौदह और एक पंद्रह, तो पंद्रह बटे दो आ गया, ये आ गया पंद्रह बटे दो माइनस। अभी इसको देखेंगे, तीन और चार की गुणा करेंगे तो चार दिया बारह, बारह और तीन पंद्रह, तो पंद्रह बटे चार यहाँ पर आ गया, यह आ गया पंद्रह बटे चार। अभी दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करना है, एलसीएम लेके सोल्व करना है अभी। अभी इसका एलसीएम अगर हम लेंगे, दो और चार का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास चार आ रहा है, कैसे, दो से डिवाइड किया फिर से दो से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आ गया चार, एलसीएम आया चार। इसके बाद मैंने बोला था कि चार को जो एलसीएम आया है उसको आपको दो से विभाग करना है और चार से विभाग करना है, तो चार को आप दो से भी भाग करेंगे और चार को आप चार से भी भाग करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए दोनों को, लिख दिया मैंने दो जगह। अभी इसका एलसीएम मेरे पास था, दो से भाग करना है चार को, दो दो दुनी चार, दो आया, दो की गुणा पंद्रह में करेंगे तो पंद्रह दुनी तीस, माइनस चार से चार को भाग करेंगे तो एक आएगा और एक की गुणा पंद्रह में करेंगे तो पंद्रह आएगा, ठीक है। अब तीस में से अगर पंद्रह जाते तो पंद्रह बटे चार आता है, पंद्रह बटे चार, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या प्रॉब्लम इसमें, क्या समझ में आया अभी? अगर नो सर, अभी नो। भी कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ यस सर। अगर समझ में आया है सभी बच्चे तो वाइट टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे अगर समझ में आया। यस सर। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चीजें होती है जो देर से समझ में आती, आप एक बार बोल दीजिए सर यहाँ से मेरे को ये चीजें है ना समझ में नहीं आई है,
आप फिर से बताइए, ठीक है? आप तब बोलते हैं जाके, तब आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है, आप आंसर गलत भी कर देते हैं, तब आप बोलते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, तो तब तो कोई वो नहीं बताना बेटा पॉइंट कि आपका मतलब टेस्ट है, आपका एग्जाम है, और एग्जाम वाले दिन आप बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आया, मतलब कुछ फायदा होगा उस टाइम पर बोलने का? चलिए ये बातें ध्यान रखनी है बेटा आगे। तो ये आंसर आया बेटा डी ऑप्शन हमारा सही। आगे आ जाते हैं, तो आगे यहाँ पर गुणा की बात करेंगे, ठीक है? गुणा की बात करेंगे कि कैसे हम दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं, कैसे दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है भिन्नों में जोड़ने या घटाने से, तो वो पूछ सकते हैं बेटा। हमने जोड़ना और घटाना सीखा है, अभी हम बात करेंगे गुणा करने की, कि कैसे हम दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। जैसे हमने सीखा था पूर्णांकों की गुणा सीखा था, हमने पूर्णांकों को गुणा करना सीखा था, वैसे ही हम सीखेंगे भिन्नों को गुणा करना, है ना? भिन्नों को आपस में गुणा करना। चलिए आ जाते हैं, तो भिन्नों का गुणा दो तरीके से सीख सकते हैं, है ना? दो तरीके से हम गुणा को सीख सकते हैं। चलिए तो पहले तरीके की अगर हम बात करें कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। अब यहाँ पर समझो बेटा क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। एक भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न और भिन्न वो कुछ भी हो सकता है, उचित भिन्न भी हो सकता है, अनुचित भिन्न भी हो सकता है, और वो मिश्रित भिन्न भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी भिन्न हो सकता है, तीनों में से कोई भी भिन्न हो सकता है। जैसे मैंने कहा उचित भिन्न ले लिया मैंने, उचित भिन्न की गुणा आप करें एक पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या आपको पता है ना कि जीरो एक दो तीन चार, ये सारे की सारी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या आप लीजिए, क्या ये चीजें समझ में आई सबको? ये वाली लाइन समझ में आई है सबको? हाँ समझ सर। Yes, तो यहाँ पर क्या बोला, जो पहला तरीका है, पहले तरीके में आपके पास उचित भिन्न हो सकता है और एक पूर्ण संख्या, या दूसरा ऐसा भी हो सकता है बेटा संजू सैनी के नाम से लिखा है, नो समझ में नहीं आया, तो बेटा अनम्यूट करके पूछेंगे कि क्या समझ में नहीं आया आपके, अनम्यूट करेंगे अपने आप और पूछ लेंगे बेटा। सर जो आपने फर्स्ट वाला ये बताया ना, लिखा हुआ यहाँ पर भिन्न का मतलब समझ में आता है ना, आपके पास कितने भिन्न होते हैं? आपके पास तीन भिन्न होते हैं, तीन भिन्न होते हैं आपके पास, उचित अनुचित और मिश्रित भिन्न, ठीक है? मिश्रित भिन्न तीन प्रकार के भिन्न होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक भिन्न होना चाहिए, एक होना चाहिए भिन्न, और दूसरा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक को भिन्न लिख लिया मैंने, जो कि उचित भिन्न है, और दूसरा भिन्न मैंने लिखा पूर्ण संख्या। बस अभी इतना ही बताया मैंने, इन की गुणा करना हम सीखेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस लाइन का मतलब क्या, ठीक है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अनुचित भिन्न आ जाए और एक पूर्ण संख्या आ जाए, तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्या आ जाए, मिश्रित भिन्न आ जाए आपके पास, और उसे गुणा करें आप पूर्ण संख्या में। क्या ये चीजें क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण संख्या पहले आ जाए और उचित भिन्न बाद में आए, है ना? यहाँ पर पूर्ण संख्या पहले आ जाए और अनुचित भिन्न बाद में आए, है ना? और पूर्ण संख्या पहले आ जाए और मिश्रित भिन्न बाद में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन तरीके की जो नंबर आपके पास आएंगे उनकी सीखेंगे हम गुणा करना, कि कैसे हम गुणा करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए पहला पॉइंट अगर क्लियर है सभी को, तो दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, भिन्न का भिन्न से गुणन, भिन्न का भिन्न से गुणन। तो भिन्न तो आपके पास तीन तरीके के होते हैं, ठीक है? तो भिन्न में करना है, जैसे मैंने कहा
कि मैंने एक उचित भिन्न की गुणा उचित भिन्न के साथ करनी है, तो इस तरीके की गुणा आपके पास आ सकती है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो उचित भिन्न की गुणा अनुचित भिन्न के साथ करनी है, तो ऐसा भी आपके पास आ सकता है। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को उचित भिन्न की गुणा मिश्रित भिन्न के साथ करनी है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्या समझ में आया है सबको? क्या ये चीजें सबको क्लियर है बेटा? या फिर ऐसा भी आ सकता है आपके पास कि दोनों के दोनों संख्या मिश्रित भिन्न आ जाए, दोनों मिश्रित भिन्न आ जाए और इन दोनों की गुणा आपको करना है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके के नंबर आपके पास हो गए जिनकी गुणा हमको करनी है। चलिए अभी हम सीखते हैं पहले पॉइंट, अभी हम सीखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, मतलब एक तो उसमें भिन्न होगा और एक संख्या होगी पूर्ण संख्या, एक संख्या भिन्न होगी दूसरी संख्या होगी पूर्ण संख्या, उसकी गुणा करनी हम सीखेंगे। जैसे दिया हुआ है चार, चार को दो बटे तीन से गुणा कीजिए, तो दो बटे तीन से गुणा करना है, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या समझ में आया सबको? एक पूर्ण संख्या है और एक है बेटा उचित भिन्न, एक है भिन्न। अब इसकी हम सीखेंगे गुणा करना कि कैसे हम गुणा करते हैं। उसके लिए बेटा जो पूर्ण संख्या दी हुई है उसके नीचे हम वन मान लेंगे, उसके नीचे हम एक लिख देंगे। क्या समझ में आया सबको? जो भी पूर्ण संख्या दी होगी उसके नीचे हम क्या लेंगे? एक ले लेंगे। ठीक है, एक लिया हमने। अब चार की गुणा करेंगे दो में, चार की गुणा करेंगे दो में, मतलब अंश की गुणा करना है आपको अंश के साथ, अंश की गुणा करना है अंश के साथ और हर की गुणा करना है हर के साथ। तो यहाँ पर देखो, अंश की गुणा अंश के साथ करा तो चार दूनी आठ, हर की गुणा हर के साथ करा तो तीन एकम तीन। तो ये बेटा आपका अंतर, ये अंतर आया। क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया है सभी को? बेटा अगर कुछ भी डाउट है, छोटे से भी छोटा अगर डाउट है आपका, तो पूछ लें। पर सर अगर हमारा आंसर कट सकता है तो उसे काट भी सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका आंसर कट सकता है तो आपको काटना ही है। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाए छह बटे चार, ये दो से कट रहा है, तो दो दुनी चार दो, ऐसे आपको काटना भी। वेरी गुड, चलिए बाकी किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? चलिए तो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये हुआ बेटा चार की गुणा करना है दो बटे तीन में, तो यहाँ पर देखो यही बोला गया है कि अंश की गुणा अंश के साथ करनी है, हर की गुणा हर के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको? तो अब ऐसा भी हो सकता है yes, sir. कि मैंने लिखा यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न और एक मैंने लिख दिया पूर्ण संख्या। ठीक है, इन दोनों की गुणा करनी है आपको, तो इन दोनों की गुणा करने के लिए पहले तो आप मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो ये तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में, जब भी आपके पास मिश्रित भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में चेंज कर दीजिए तुरंत। तो ये क्या हो जाएगा, चार और पांच की गुणा करेंगे तो चार पंजे बीस, बीस और तीन कितना हो गया तेईस, तो तेईस बटे पांच आ गया गुणा पांच। मैंने कहा जो पूर्ण संख्या है उसके नीचे मान लीजिए वन, एक मान लीजिए आप। अब अंश की गुणा अंश के साथ करनी है और हर की गुणा हर के साथ, तो पांच या पंद्रह, एक पांच दुनी दस और एक ग्यारह, तो एक सौ पंद्रह बटे पांच आपका आंसर आ रहा है। वेरी गुड, पांच या पंद्रह, एक पांच दुनी दस और एक ग्यारह, एक सौ पंद्रह बटे पांच। अभी ये कट रहा है तो हम काट देंगे, पांच एक पांच, पांच दुनी दस और पांच या पंद्रह, तो ये बेटा आपका आंसर आया, तेईस आपका आंसर आ रहा है, तेईस आपका आंसर आ रहा है।
चलिए अभी बताएंगे बेटा, सभी को समझ में आया है यहाँ तक? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो अभी स्क्रीन पर आया क्वेश्चन, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये दिया हुआ है बेटा कि 30 × 7/20 करिए, गुणा करेंगे और अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन, अपना आंसर देंगे बेटा पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर जैसे ही क्लासेस हो रहे हैं बाद में इनका पेपर भी होगा, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है? हो सकता है बेटा अभी मेरी स्क्रीन आपको ना दिखाई दे रही हो, लेकिन एक मिनट के बाद स्क्रीन आपको दिखने लगी, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। सर हमारा पोल नहीं आ रहा है सर, मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। स्क्रीन उड़ गई, स्क्रीन नहीं आ रही। थोड़ी देर वेट कर लो, अभी बस एक मिनट रुकेंगे और स्क्रीन भी आपको दिखने लगी ना। चलिए अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है? वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, और मैंने बोला है आपको कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, है ना, प्रैक्टिस आप कर सके क्वेश्चन। तो आप जितने ज्यादा मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा हैबिट बन जाता है कि क्वेश्चन है ना ऑटोमेटिकली क्या होने लगते हैं, सही होने लगते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे। सर मैंने कर दिया, बच्चों ने आंसर कर दिया है, मेरे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है? तो वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे अपना आंसर करें। तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला, तो जितने बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने आपको बोला कि जो पूर्ण संख्या होती है उसके हर को हम क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। और अभी क्या करना है आपको, अंश की गुणा अंश के साथ करना है। तो 7 या 21, ठीक है? और ये 20 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आया, 21/2 आया, यानी कि ए ऑप्शन आया, ठीक है? तो काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन जो एक दो बच्चे थे उनका उत्तर गलत आया है। तो बेटा वो ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला है आपको क्या करना है, अंश की गुणा अंश के साथ करना है, हर की गुणा हर के साथ, ठीक है? अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ, और उसके बाद अगर आपका कुछ डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो आप उसको काट। चलिए यहाँ तक अभी सभी बच्चों को समझ में आया है, चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बच्चे का किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो वो डाउट पूछ लेंगे बेटा, ठीक है? और बाकी सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एक तो आप टाइम से क्लास को ज्वाइन करें, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10 मिनट 15 मिनट के बाद क्लास को, वो लिंक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं हो पा रहे थे ज्वाइन।
चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आज प्रॉब्लम हो गया था तो ध्यान रखेंगे कि एक तो जो भी मैं होमवर्क आपको भेजता हूँ वो आप होमवर्क करें और मेरे से चेक करें, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें बेटा कि अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो उसी टाइम पर आप अपने डाउट को पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि वो सारी चीजें आपको फिर